हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अपने निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मंत्री जेपी दलाल क्षतिपूर्ति सहायकों की नियुक्ति के सवाल पर बिफर गए। मंत्री ने जब पूछा गया कि अभी तक प्रदेश में कितने क्षतिपूर्ति सहायक लग गए, तो उन्होंने कहा कि इसका डाटा अभी उनके पास नहीं है। कि मंडियां जो हमारी चल रही हैं, गेहूं और सरसों की प्रोक्योरमेंट चल रही है, इसके बारे में चर्चा करने के लिए आप लोगों को बुलाया था और कुछ भ्रांतियां फैली हुई हैं, उनको दूर करना हम चाहते हैं। ये सही है कि इस बार बेमौसमी बारिश की वजह से फसलें खराब हुई, कहीं ओलावृष्टि हुई, कहीं आंधी तूफान आया, गेहूं गिर गया, और उससे तुरंत हमने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई करके खेतों में गए और हमने फैसला किया कि अप्रैल में स्पेशल गिरदावरी करके मई तक किसानों की भरपाई करेंगे। बहुत अच्छा कदम उठाया और वो कार्रवाई हमारी चल रही है। इस बारिश की वजह से कुछ संकट भी आया कि गेहूं की जो चमक थी वो कम हो गई और गेहूं का दाना जो है, जो आमतौर पर टूटता था 6%, उससे ज़्यादा टूटा हुआ था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने इस विषय का संज्ञान लिया, तुरंत भारत सरकार से इजाज़त मांगी कि भी ये टूटा हुआ दाना की भी खरीद होनी चाहिए, वरना तो मंडियों के अंदर संकट आ जाता। लगभग दो तिहाई गेहूं ऐसा आ रहा है जो पुराने पैरामीटर पर पूरा नहीं उतरता, किसी में चमक कम है, किसी में ज़्यादा दाना टूटा हुआ है। अगर ये भारत सरकार से हम छूट नहीं मांगते तो मंडी के अंदर दो तिहाई गेहूं खरीद के लायक ही नहीं होता, रिजेक्ट हो जाता, समस्या किसानों को ज़बरदस्त आ जाती। हम धन्यवाद करते हैं भारत सरकार का कि उन्होंने भी तुरंत संज्ञान लिया, लेकिन उन्होंने राइडर लगा दिया कि चमक कम होगी तो वो 5 रुपये 31 पैसे कम देंगे और 6% से 8%, 8% से 10%, 10% से 12%, प्रत्येक 2% पर वो 5 रुपये 31 पैसे की भाव कम देंगे। उस पर भी हमने भारत सरकार से इजाज़त मांगी है कि आप ऐसा ना करिए, आप किसान का पैसा नहीं काटेंगे। उसकी जवाब अभी तक नहीं आया है, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने तुरंत ये आदेश दिए कि अगर ये पैसा भारत सरकार कम दे देती है तो किसान से नहीं कटेगा, ये पैसा किसान को पूरा जो MSP रेट पर हम पेमेंट करेंगे और ये हरियाणा सरकार जो है अपने खाते से देगी। तो ये हमें खुशी है कि ये फैसला हमारा हुआ। उसके बाद पंजाब सरकार ने भी ये फैसला किया, उन्होंने भी अपने किसानों के लिए इसी तरह का फैसला किया। ये अच्छा किसान हितैषी कदम उनका भी है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि बहुत सारे, जब भी मंडियां चलती हैं, लोगों के अंदर पता नहीं क्या किसान भावना जाग जाती है, वो किसान हितैषी होने का ढोंग करते हैं और तरह तरह के भ्रम फैलाते हैं। अब कई मंडियां बंद हो गई, किसी ने कहा कि हम ये चिट्ठी चाहिए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, विपक्ष के नेता भी वहां गए और उन्होंने कहा कि किसानों के खिलाफ फैसला हो रहा है, जबकि आपके सामने जो मैंने सारा विवरण दिया है, जल्दी से जल्दी हर कदम पर हमने किसान के हित में फैसला